पायलट की गहलोत को चुनौती, इज्जत नहीं दोगे तो मिलेगी भी नहीं। राजस्थान में दिखाई दे रही कांग्रेस हाईकमान की कमजोरी, अपनी सरकार के खिलाफ पायलट का रुख हुआ सख्त। राजस्थान कांग्रेस में चल रहा युद्ध विराम टूट चुका है। अब तक तो सिपहसालार भिड़े हुए थे, लेकिन अब सीधे राजा एक दूसरे से भिड़ गए हैं। निशाने पर सिंहासन है। अशोक गहलोत अपनी सत्ता बचाने में जुटे हुए हैं। सत्ता सिर्फ बीजेपी से नहीं बचानी, बल्कि अपनी पार्टी के अंदर से भी उन्हें चुनौती मिल रही है। राजस्थान में 10 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव हैं, और चुनाव से पहले कांग्रेस की लड़ाई सड़क पर आ गई है। सीएम अशोक गहलोत अपनी ही पार्टी के नेता सचिन पायलट पर निशाना साध रहे हैं, तो सचिन पायलट भी मौका नहीं चूक रहे हैं। वो भी खुलकर गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं, और इस पूरी लड़ाई में कांग्रेस हाईकमान सबसे कमजोर खिलाड़ी दिख रहा है, जो शांत बैठा अपनी दुकान को लूटते देख रहा है। कांग्रेस हाईकमान को इस बात का एहसास है कि आपसी लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिलेगा, लेकिन वो गहलोत और पायलट के बीच की लड़ाई को शांत नहीं करा पा रहे हैं। लड़ाई को शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है सख्त फैसला। अशोक गहलोत कांग्रेस हाईकमान की पोल खोल चुके हैं। जब उनके समर्थन में विधायक ने बगावत की और कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत के सामने घुटने टेक दिए, कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने सितंबर के अंत में दावा किया था कि 25 सितंबर को विधायक दल की जो बैठक नहीं हो पाई, उसे 2 दिन के अंदर फिर बुलाया जाएगा। 2 दिन की जगह 3.5 महीने से ज्यादा का वक्त निकल गया, लेकिन विधायक दल की बैठक आज तक नहीं हो पाई। उल्टा जिन नेताओं ने विधायकों को बगावत के लिए उकसाया, उन पर भी कांग्रेस हाईकमान इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाया क्योंकि उसे गहलोत की नाराजगी का डर था। गहलोत ने कांग्रेस हाईकमान की कमजोरी सार्वजनिक की, तो पायलट ने अब सीधा गहलोत पर ही निशाना साध दिया। पायलट ने पूरे राजस्थान में किसान सम्मेलन किए, दावा किया कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, लेकिन उनके बयान बता रहे हैं कि वो बीजेपी पर नहीं अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। गहलोत भी पलटवार कर रहे हैं। बजट पूर्व बैठक में गहलोत ने इशारों में पायलट को कोरोना बताया था, तो पायलट ने भी साफ कर दिया कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। अपमान कर देना, छोटी मोटी बात बोल देना अच्छी बात नहीं है। मैं जब भी निकलता हूँ विरोधियों का धुआं निकाल देता हूँ। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे सचिन पायलट ने छात्रों से सवाल किया कि मेरे बारे में क्या क्या बोला गया, तो छात्रों ने जवाब दिया, कोरोना, नकारा एवं निकम्मा। दरअसल सीएम ने पायलट के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया था। पायलट ने कांग्रेस हाईकमान को ही निशाने पर लेते हुए कहा कि हमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिए, युवाओं में काबिलियत तो उन्हें मौका मिलना चाहिए, काबिलियत के आधार पर फैसला होना चाहिए, प्रतिभाओं को रोकने की जगह उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। चुनाव आते हैं, हम विरोध करते हैं, लेकिन नीति और सिद्धांतों का विरोध होना चाहिए। व्यक्तिगत आलोचना करना, गाली गलौज करना, कठोर शब्द बोल देना आसान काम है। आप दूसरों के खिलाफ कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन जब कोई उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए कर दे तो आप नाराज हो जाते हैं, आपको बुरा लगता है। मैंने विरोधियों के लिए कभी उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो अपने लिए नहीं सुनना चाहता हूँ। दरअसल पायलट को अब यह एहसास हो गया है कि हाईकमान को बिना ताकत दिखाए वो सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। चुनाव करीब है और पायलट को अपनी ताकत का एहसास भी हो चुका है। गहलोत कैंप के 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायकों को चुनाव में पायलट के समर्थन की जरूरत है, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र में गुर्जर मतदाता निर्णायक स्थिति में है, और इस समय राजस्थान में गुर्जरों में पायलट को लेकर सहानुभूति देखी जा रही है। ऐसे में पायलट का विरोध कर कोई भी कांग्रेसी विधायक गुर्जरों का विरोध लेने के हालात में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉर्दर्न न्यूज़।